हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। देखो, हम बहुत बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि वॉइस एंड साउंड में क्या डिफरेंस है, क्योंकि दोनों का मतलब ही आवाज़ होता है। ऐसे ही हम बहुत बार कंफ्यूज लिसन एंड हियर में भी हो जाते हैं, क्योंकि दोनों का मतलब सुनना होता है। देखो, अगर इंग्लिश के दो वर्ड का एक मतलब है, लेकिन कुछ ना कुछ तो डिफरेंस होगा ही जो दो वर्ड्स बने, तो आज हम यही सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। वॉइस, इसका यूज़ करते हैं हम लिविंग थिंग्स के लिए। लिविंग थिंग्स यानी कि जिसमें प्राण हो, और प्राण किस में होते हैं? इंसान, जानवरों, पक्षियों में, इनके लिए हम वॉइस का यूज़ करते हैं। साउंड, नॉन लिविंग थिंग्स, यानी स्पीकर, हेडफोन और मोबाइल से निकलने वाली आवाज़ के लिए हम साउंड वर्ड का यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल देख लेते हैं। Did not you hear my voice? Your voice shouldn't come out of the room. The sound of this phone is good. The loudspeaker sound is bothering me. Now hear versus listen. Hear. इस वर्ड का यूज हम तब करेंगे जब आपने कुछ जानबूझकर ना सुना हो। इसे ऐसे समझते हैं, मान लो कि आप गली में से जा रहे हैं, वहाँ आपको कोई आवाज़ सुनाई देती है, आपने जानबूझकर नहीं सुनी, आपके कानों में पड़ी। ओके, तब हम क्या यूज़ करेंगे? हियर। लिसन यानी कि जब आप किसी आवाज़ को जानबूझकर सुनते हैं। अगर आप गाने सुनते हैं या किसी की बात को ध्यान से सुनते हैं, तो हम वहाँ पर लिसन वर्ड का यूज़ करते हैं। कई बार हम कहते हैं ना लिसन यानी कि सुनो, हम क्यों कहते हैं? क्योंकि हम उस बंदे का ध्यान अपनी बात की तरफ लाना चाहते हैं, इसलिए हम कहते हैं कि लिसन। चलिए अब एग्जाम्पल देख लेते हैं। लिसन टू मी, आई एम लिसनिंग टू म्यूज़िक, आई विश यू कुड हियर, आई हर्ड वाइल रोमिंग। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आपको पसंद आई हो। पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर करना मत भूलिए। सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं। हिट कर दीजिए बेल आइकन को, जिससे कि आपको आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। फिर मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ। टिल देन, बाय बाय।